एक माँ अपने बेटे से मारपीट से छुटकारा पाने के लिए धार कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंची और गुहार लगाई कि उसके साथ उसकी बहू, बेटे और देवर मारपीट करते हैं, साथ ही भरण पोषण के लिए कुछ भी नहीं देते हैं, जिससे परेशान होकर कलेक्टर को लिखित में आवेदन देकर गुहार लगाई कि उसके बेटे से भरण पोषण दिलवाया जाए। महिला का कहना है कि उनके नाम से धामनोद में एबी रोड पर एक मकान था जो कि लड़के ने बेच दिया और कहा कि मैं आपको भरण पोषण के लिए प्रतिमाह 10,000 रुपये दूंगा, जो कि मुझे आज तक नहीं दिए गए, बल्कि उल्टा मुझे ही मेरी देवरानी और उसकी बहू घर में घुसकर मारपीट करती है। आगे महिला ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए।